दोस्तों 2017 से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और मेरी YouTube कैरियर की शुरुआत हुई थी बैंकिंग से, जिसमें कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्योस और उनसे संबंधित समस्याओं और उनके बेनिफिट के बारे में आप लोगों को बताता था। और फिर प्राइवेट जो एजेंसियां आई जैसे स्पाइस मनी, पेनियर, रॉयनेट, इन सब कंपनियों के बारे में मैंने आपको जानकारी देना चालू किया और जो भी है वो आज आपके सामने है। लेकिन 2017 जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, लगातार हर व्यक्ति की एक डिमांड रही है कि हमको बैंक का क्योस्क ओपन करना है, हम भी अपने जो ग्राहक हैं उनको वित्तीय सेवाएं देना चाहते हैं, उनका अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं। तो लगातार ये डिमांड चल रही थी और कुछ समय तक तो ऐसा भी रहा, मुझे अच्छे से याद है कि लॉकडाउन के पहले मतलब लगभग 2019 के आसपास तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी अफवाहें भी ऐसे आती थी कि इस कंपनी का अकाउंट ओपनिंग आने वाला है, इस कंपनी का अकाउंट ओपनिंग आने वाला है। बीच में कुछ कंपनियों ने अकाउंट ओपनिंग की सर्विस लाया भी, जिसमें NSDL के साथ उन्होंने टाई अप किया, लेकिन जो भी टेक्निकल इशू रहा होगा उनका नहीं हो पाया। लेकिन अब बहुत बढ़िया एक खबर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सुना होगा, जो कि इससे पहले वाली जो सरकारें थीं उनकी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं, उसकी ही योजना का सुधरा हुआ एक रूप था। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सबसे निचले स्तर तक का अगर व्यक्ति है हमारे समाज में, जिसके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी नहीं है, वो उतना सक्षम नहीं है कि बैंकों में जाके ज़्यादा सेविंग करके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, तो ऐसे निम्न आय वर्ग के लोगों को भी, जिनके पास KYC के भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनको भी वो बैंकिंग की सर्विस दे पाएँ और मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती थी वो डायरेक्ट उनके अकाउंटों में दे पाए। बीच में जो बिचौलिए कई बार गमन कर लेते थे उनके पैसे का या उनके साथ धोखा हो जाता था, ये सारी चीज़ें बंद हों, इसी का सुधरा हुआ रूप था प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिससे कि हम सब वाकिफ हैं। आज का वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए एक्सिस बैंक और पेनियर बाई आप सभी के लिए जल्द ही अकाउंट ओपनिंग की सर्विस लाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, आज वो हमारा विषय नहीं है, ना उसकी प्रॉपर अभी अपडेट हमारे पास आई है। लेकिन ये पक्का है कि अब जल्द ही किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी वीक में आपको एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट ओपनिंग लाइव हो जाएगी। क्राइटेरिया क्या होगा, किन रिटेलर को मिलेगा, क्या कोई चार्ज होगा या जो भी डिटेल होगा वो हम आगे आपको ज़रूर से बताएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पेनियर बाई के फाउंडर हैं, MD हैं आनंद बजाज जी, इनका एक कल 7 सितंबर 2022 को एक लाइव सेशन होने वाला है, जो कि एक्सिस बैंक के एक सर हैं, जिनका मैं आपको डिटेल बता देता हूं, मुनीश सारदा जी। ये मुनीश सारदा जी हैं जो कि ग्रुप एग्जीक्यूटिव और हेड हैं भारत बैंकिंग के, मतलब जो यस बैंक का ही एक पार्ट है। इनका कल एक लाइव सेशन होने वाला है और ये ज़्यादा डिटेल में आपको कल बताएंगे, इसलिए आपको पेनियर बाई का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर 12:30 बजे दोपहर को लाइव जब वो आएगा तो आपको भी ऑनलाइन रहना है और वो आप देख सकते हैं। बाकी उसका समरी मैं आपको ज़रूर से उस वीडियो को देखने के बाद बताऊंगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस चीज़ की आपकी लगातार डिमांड थी अकाउंट ओपनिंग सर्विस की, वो अब जल्दी आने वाली है। और मैं आशा कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, वित्तीय समावेशन होता है, प्रधानमंत्री जनधन खाते जो होते हैं वो जीरो बैलेंस पर होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आप जो खाता कस्टमर का खोल पाएंगे वो जीरो बैलेंस खाता ही खोल पाएंगे। तो यही पेनियर बाई की तरफ से एक अपडेट था। लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मुझे लगता है कि एक अच्छा अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर मिलना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले से यदि आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप हमारे चैनल को दोबारा सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।